सब टीवी पर रोज आने वाला फैमिली ड्रामा तारक मेहता का उल्टा चश्मा दर्शकों का सबसे फेवरेट टीवी शोज में से एक है। एक दशक से भी ज्यादा वक्त से टीवी पर आने वाला ये शो आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। 14 सालों से आने वाले इस शो ने इसमें अभिनय करने वाले सभी कलाकार को एक नई पहचान दी है, पर अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है तो वो है इस शो के दो किरदार, जेठालाल और दयाबेन। जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी और दयाबेन का रोल प्ले करने वाली दिशा बकानी का आज घर घर में फैन फॉलोइंग है। बता दें कि दर्शक लंबे समय से दया की वापसी को लेकर इंतजार कर रहे हैं, पर अब इस मामले पर शो के निर्माता असित मोदी का कहना है कि दयाबेन की वापसी का तो वो भी इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम के कई कलाकारों ने शो को अलविदा कह दिया था, पर फैंस को आज भी उन सब में से सबसे पसंदीदा कलाकार का इंतजार है। जिस कलाकार की बात यहाँ हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि सबसे चहेती दयाबेन उर्फ दिशा बकानी है। बता दें कि दिशा बकानी को शो छोड़े हुए 5 साल बीत गए हैं, पर उनके फैंस आज भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दयाबेन के किरदार के सभी पहलुओं ने लोगों को लुभाया है। सबसे ज्यादा अगर लोगों को कुछ पसंद आया था तो वो है दिशा बकानी की हंसी। उनकी इस हंसी और गरबा को लोग आज भी याद करते हैं। कई सारे एपिसोड के प्रोमो में देखकर लगा था कि शायद दयाबेन की वापसी हो रही है, पर एपिसोड के ऑनएयर होने के बाद फैंस के हाथों लगी केवल मायूसी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शो के निर्माता असित मोदी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दयाबेन की वापसी का वो भी कर रहे हैं इंतजार। उन्होंने कहा कि दयाबेन के किरदार को दर्शक भूल नहीं पा रहे हैं और आज भी हर कोई उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन वो दिशा बकानी का सम्मान करते हैं और समझते हैं कि अब उनका नया परिवार और नई जिम्मेदारियां हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब दयाबेन के किरदार के लिए ऑडिशन लिए जा रहे हैं और जल्द ही दर्शकों का इंतजार खत्म हो सकता है। जैसे कि दयाबेन का डिस्क्रिप्शन दिया है वैसे ही सेम कैरेक्टर को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा है तारक मेहता के मेकर्स के लिए। अब तक कई टीवी एक्ट्रेस के ऑडिशन लिए जा चुके हैं, कई बार तो ये खबर थी कि कोई फाइनल भी हो चुका है, लेकिन अब तक दयाबेन के किरदार के लिए कोई भी फाइनल नहीं हुआ है, तभी तो ऑडिशन अभी तक चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।